नमस्कार, मैं हूं अरुण दुबे और आप देख रहे हैं सूचना नेटवर्क। सत्र हमेशा की तरह दो चरणों में होगा। पहला चरण 31 जनवरी से शुरू होकर 11 फरवरी तक चलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट पेश करेंगी। 5 राज्यों में इस दौरान चुनाव प्रचार अपने चरम पर पहुँच चुका होगा। ऐसे में उम्मीद है कि बजट लोक लुभावन होगा। 11 फरवरी से फिर 31 दिन का अवकाश रहेगा और फिर 14 मार्च से बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होगा जो 8 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होने से पहले ही यूपी सहित 5 राज्यों के चुनाव नतीजे भी सामने आ जाएंगे और इन नतीजों का असर संसद सत्र में दिखाई देगा। बजट सत्र कैसे चलाया जाएगा, सांसदों के बैठने की क्या व्यवस्था होगी, इस पर अभी तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं है। इसे लेकर लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति 25 या 26 जनवरी को एक बैठक करेंगे, जिसके बाद संसद की कार्रवाई को लेकर तस्वीर पूरी तरह से साफ हो सकती है। क्योंकि अगर कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ती रहती है, सत्र को दो हिस्सों में आयोजित किया जा सकता है। सुबह के सत्र में राज्यसभा और दोपहर के सत्र में लोकसभा की कार्रवाई चल सकती है, या फिर दोनों सत्र परंपरा के अनुसार एक साथ ही चलाए जा सकते हैं। सरकार की चिंता तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर बनी हुई है। 9 जनवरी तक करीब 400 कर्मी कोरोना संक्रमित थे, लेकिन बुधवार को ये आंकड़ा 700 के पार चला गया था। पिछले 3 दिनों में ही करीब 43% की वृद्धि इन आंकड़ों में हुई है। संक्रमित मरीजों में लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही कर्मचारी शामिल हैं। बताया जा रहा है संक्रमित लोगों में 200 कर्मचारी राज्यसभा के हैं, बाकी लोकसभा और अन्य विभागों से जुड़े बताए जाते हैं। इस वक्त संसद के 1/3 कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दी गई है। ऐसे में बड़ी संख्या में संसद के कर्मचारियों का कोरोना संक्रमित होना चिंता का विषय।